भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में आस्था का एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरे देश में आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो चुकी है, वहीं भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में जब तक ये फिल्म चलेगी साक्षात वीर हनुमान इस फिल्म को देखेंगे। सिनेमा हॉल के प्रबंधक ने एक सीट रिजर्व कर दी है, उस सीट पर महाबली हनुमान की तस्वीर भी लगाई गई है। शुक्रवार को फिल्म निर्देशक ओम रावत के निर्देशन में रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष के निर्देशक ओम रावत हैं और इस फिल्म में प्रभास भगवान राम, कृति सेनन सीता माता और सैफ अली खान रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि महाबली हनुमान के रूप में देवदत्त नागे दर्शकों पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इस फिल्म की खास बात ये है कि सिनेमा हॉल में मैनेजमेंट टीम के अनुसार महाबली हनुमान के लिए एक स्पेशल डीसी की सीट संख्या A30 आरक्षित की गई है, जिस पर महाबली हनुमान तब तक विराजेंगे जब तक फिल्म भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में चलेगी। सीट संख्या A30 पर साफ तौर पर लिखा है कि ये सीट बजरंग बली के लिए सुरक्षित सीट है और उस सीट पर महाबली हनुमान की फोटो रखी है और पुष्प से पूजा अर्चना की गई है। ये जो फिल्म लगी है आदि पुरुष फिल्म जो लगी है इसमें हनुमान जी को लेकर के एक सीट को आरक्षित किया गया है, इसमें क्या इसमें कहना चाहेंगे? श्रद्धा पूर्वक राम के नाम पर जो बनाया आदि पुरुष राम के बारे में दर्शाया गया है उसी के श्रद्धा को लेकर के हम लोग राम के हनुमान के नाम पर एक सीट रखे हुए और आगे डिस्ट्रीब्यूटर के भी आदेश था कि हनुमान के नाम पर रखा जाए। फिल्म आदि पुरुष को लेकर के कैसी भीड़ देखी जा रही है? भीड़ तो अभी तक ठीक है, धूप को लेकर कम आ रही है। धूप को लेकर और बुकिंग किस प्रकार की देखी जा रही है? बुकिंग ठीक है, धूप की वजह से कुछ कम है। जो महाबली हनुमान के लिए जो सीट रिजर्व रखी गई है उनका विधिवत पूजा वगैरह भी किया गया? इसमें हिंदू संगठन या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भीड़ भी कुछ ऐसा कोई यह फिल्म कहीं वर्तमान सरकार की राजनीतिक से जुड़ी हुई तो नहीं है? इसमें कोई राजनीति पब्लिक का क्या व्यू आ रहा है? पब्लिक व्यू अच्छा है, राम के नाम पर राम के बारे में जो दर्शाया गया उसका रिस्पॉन्स बढ़िया है। इसमें हम लोग का धर्म के बारे में बताया गया, मतलब रामायण के बारे में जो कि मतलब सभी को जानना चाहिए, इस वजह से। क्या लगता है आदि पुरुष फिल्म जो है इसको लेकर के कैसी भीड़ देखी जा रही है? लेके धीरे धीरे मतलब इस मूवी को देख के मतलब मूवी को देख के और मतलब हम लोगों में मतलब अपने धर्म के प्रति थोड़ा बहुत मतलब जागरूकता और इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको मालूम है कि एक आरक्षित सीट हनुमान जी के लिए हॉल में रखा गया है? क्या बोले? हनुमान जी के लिए एक आरक्षित सीट रखा गया है अंदर में जी। हाँ, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी खुद फिल्म देख रहे हैं अंदर में बैठ कर जी जी। क्या लगता है यह फिल्म जो है कहीं राजनीतिक से जुड़ी हुई तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, इसमें हम मतलब राजनीतिक से कहाँ से जुड़ा रहेगा, इसमें हम लोग का मूवी है मतलब धर्म के। मैं जिस प्रकार अभी बागेश्वर धाम के सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री उनको भी राजनीतिक से जोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो चीज़ तो गलत है। अपना धर्म का अगर मतलब अगर हम लोग अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं या फिर विश्लेषण कर रहे हैं या फिर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये चीज़ तो सही है। इसमें राजनीतिक से क्या जुड़ना है? इसमें हम लोग का मतलब धर्म के बारे में अपना सब जान रहा है, अपना जागरूक हो रहा है, इसमें क्या मतलब? अच्छा, इसमें क्या लगता है कि हिंदू संगठन के लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें मतलब अब इसमें इसको इस मूवी को राजनीतिक से क्यों जोड़ा जा रहा है? वही मेरा सवाल यही है कि राजनीतिक से तो नहीं जोड़ा जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म देखने आए भागलपुर के दर्शक समर प्रताप ने बताया कि ये फिल्म सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, श्री राम से जुड़ी हुई है, इसमें रामायण की गाथा दिखाई गई है, इसलिए हम लोग इस फिल्म को देखने आए हैं।